नमस्कार, आप जोई रह्या छो स्पार्क टुडे न्यूज। श्री नरेन्द्र मोदी कान्हा चेरिटेबल फाउंडेशन ना जन्मदिवस निमित्ते धर्मज में मफत टीचिंग टेलरिंग और ब्यूटी पार्लर क्लास नु आयोजन करवामां आव्युं हतुं। पुनीताबेन और हेमूबेने ग्रामीण विस्तार की महिलाओं उत्थान माटे आ निःशुल्क सेवा आपी हती। जितेन्द्र भाई और पुनीताबेने छोकरियों ने सुंदर कुर्ती केवी रीते स्टीच करवी ते शीखव्युं, तेमज हेमूबेने ब्यूटी पार्लर केटलाक महत्वना ख्यालों शीखव्या हता। फाउंडेशन पासे 6 लाख कपड़ा एकत्र करवानुं अने 6 सेवा मॉल बनावानुं विजन छे, ज्यां दिवाड़ीए कृष्ण सेवा मॉलमांथी कपड़ा खरीदीने मानवजात खुशीथी सेवा करी शके। ग्रामीण विस्तार की छोकरीओ द्वारा बनावेली तमाम कुर्ती कृष्ण सेवा मॉल में प्रदर्शित करवामां आवशे अने साथे तेने वेचवामां पण आवशे। तमाम कमाणी ग्रामीण विस्तार की तमाम मेहनतू महिलाओं खिस्सा में जशे। काना चेरिटेबल फाउंडेशन द्वारा आज सुधी मानवता की सेवा माटे घणा बधा प्रोजेक्ट करवामां आव्या छे, जेमांथी एक खास प्रोजेक्ट तेओ द्वारा आजे पण करवामां आव्यो। आजे देशना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीजी जन्मदिवस हो निमित्ते कान्हा चेरिटेबल फाउंडेशन द्वारा आ आयोजन करवामां आव्युं हतुं। ભારતના યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીના જન્મદિવસ નિમિત્તે કાના ચેરિટેબલ ફાઉન્ડેશન ધર્મજ સ્ટીચિંગ અને બ્યુટી પાર્લરના ક્લાસીસનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં 61 દીકરીઓ અહીંયા સ્ટીચિંગનું અને બ્યુટી પાર્લરનું શીખવા માટે આવી છે। એવા જ એક સેવાભાવી બેન પુનીતાબેન શાઇન બાય પુનીતા એમનું डिजाइनिंग फॉर्म है आणंद में, ए बी सेवा आपवा माटे आया है। एमना ज टेलर श्री जितेन्द्र भाई ए बी बहनों ने मफत में शीखवाड़वा माटे आया है, तो काना चेरिटेबल फाउंडेशन एमनो भी आभार माने छे। घणा वर्षो थी हेमूबेन धर्मज हेमास ब्यूटी पार्लर चलावे छे, ते बी घणी बधी दीकरीओने फ्री में ब्यूटी पार्लरना क्लासीस शीखवाड़े छे, एमने एमनी आमदनी उभी थाय एवो प्रयत्न घणा वर्षो थी करी रही छे। तो काना चेरिटेबल फाउंडेशन आ वक्ते आज काना क्लोथिंग ड्राइव लाई रही छे, 6 लाख कपड़ा भेगा करीने 8 सेवाना मॉल एना ज अंतर्गत एक आ पगलू छे के बहनों ने कुर्ती बनावानुं शीखे अने पछी अमने मफत में कापड़ अमे आपीए अने अमने एमनी आमदनी उभी थाय दिवाळी सुधी ने मॉल में आज कुर्ती मूकीशुं अने एज एमांथी जे आमदनी उभी थशे तमाम ए बहनों ने जशे। तो आवुं एक सारू पगलू આપણા વડાપ્રધાનશ્રીએ કહ્યું છે કે નવું ભારત બનાવવા માટે બધા એક સાથે થવું પડશે, તો સેવાની સંસ્થા કાના ચેરિટેબલ ફાઉન્ડેશન આવી જ સેવકો પુનીતાબેન હેમાબેન જીતેન્દ્રભાઈ અને ઘણા બધા મારા મિત્રો જેમ કે રાહુલભાઈ શુભમભાઈ દેવનભાઈ અને બંટી એ બધા સાથે મળીને સેવા બી આપી છે, તેમનો બી આભાર માનું છું। અને આવો સાથે મળીને 6 લાખ કપડાં અને આવી જ બહેનોની આમદની દિવાળી સુધીને ઊભી કરીએ અને જે કપડાં જે લોકોને મળવાના છે એમનો બી ખુશીઓમાં સામેલ થઈએ। જય શ્રી કૃષ્ણ, ભારત માતા કી જય।